दान मत पूरा हम थारे
सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब जोत तेरी जग जीवना कट कट हर रंग रंगना सब जोत तेरी जग जीवना तो कट कट हर रंग रंगना तो कट कट हर रंग रंगना तो कट कट हर रंग रंगना कट कट हर रंग रंगना तो कट कट हर रंग रंगना सब जोत तेरी जग जीवना तो कट कट हर रंग रंगना सब जोत तेरी जग जीवना कट कट हर रंग रंगना। सन्मान योग सत्संगी जनों, परमात्मा नू, वाहिगुरु नू, प्रभु नू, अल्लाह खुदा कुछ भी कह लो, वो खंडा ब्रह्मंडा दा मालक जिसनों मिलने वास्ते जदों तो मनुख ने होश संभाली है तदों तो यतन कर रहा है। कौन है वो जिसने इस सृष्टि नू सांभिया होया है, इस सृष्टि नू चला रहा है, इस सृष्टि नू बनाया है, इस सृष्टि नू पाल रहा है। जिहड़ा सतगुरां दा बड़ा प्यारा वचन है ना जी, सूदर दा शब्द, उस दी पहली पंक्ति यह है, सूदर तेरा कहा सो कर कहा जित बसा बस संभाले। ए वाहिगुरु, वो तेरा घर किहो जिहा है और दरवाजा किहो जिहा है जिथे बैठ के तू जीवन की संभाल करदा, कितना क्या वड्डा है।
उस दर नूं उस घर नूं लभण वास्ते ये मनुख ने जदों तों समझना शुरू किया, देखना शुरू किया, अंदर एक सोच पैदा हुई कि आखिर कोई तो है जो इस सृष्टि नूं चला रहा है, जो बना रहा है। तो इसने मनुख ने कई ढंग लभे, कई तरीके लभे उस परमात्मा नूं लभण वास्ते, उस परमात्मा नूं वाहिगुरु नूं मिलण वास्ते। युगां तों चलदा आ रहा है, अज भी चल रहा है, चलता रहेगा। उसकी खोज, उसकी पाल हुंदी रहेगी। वक् वक् ढंग तरीके अपनाए, पर जो सानू गुरमत ने तरीका बख्शिया है वह है कीर्तन का। उसनू मिलना ना मिलना एक वक्री गल है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा कदों मिलेगा कोई पता नहीं, पर उसकी वड्याई करनी, उसकी सिफ सलाह करनी, इस सब तो सौखा तरीका कीर्तन के अखरी अर्थ हैं वड्याई करनी, सिफत करनी। गुरु नानक साहब ने कोई कर्मकांड नहीं किया किसी तरह का भी, ना तपस्या, ना पुठे लटके, ना उन्होंने अन्न छड़िया, ना उन्होंने कपड़े पाने छड़े, ये कर्मकांड किए जाते सन, ना कोई दान पुन नूं बढ़ावा दिता, सिर्फ कीर्तन किया, गाया। जो सतगुरां ने रस्ता अपनाया वो साहिबां ने सानू बख्शिश कर दिता गुरु ग्रंथ साहिब के रूप के विच, कीर्तन की दात बख्शी दिती। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जो सतगुरां ने गाई, महापुरशां ने गाई, उन्हां दियां जदों आत्मावां उच्चियां होईयां, जो आत्मा ने परमात्मा दे नाल विचार कीती, उसनों अपना शब्द आख्या, उसनों बाणी आख्या, उसनों भगत बाणी आख्या। वो जो विचार आया उसका नाम असी शब्द रखिया, उसनों गुरु बाणी, भगत बाणी, सिख बाणी आख्या। तो मेरा कहन का मतलब है कि कीर्तन ही बंदगी का रस्ता है, कीर्तन ही बंदगी है, कीर्तन ही सिमरन है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, कीर्तन ही प्रधान है। गुरमुख जपी है लाए ध्याना, उस परमात्मा की सिफत विच ध्यान लगाना। सतगुरां दे जो पावन वचन हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जिथों शुरू हुंदी है अंत तक परमात्मा की सिफत सलाह है, उस दियां वड्याईयां। ये जो पावन शब्दों का मैं ज्ञान कर रहा हाँ ये वाहिगुरु की सिफत है। तो वाहिगुरु को परमात्मा को मंगना की है, वो किस रूप दे विच इस सृष्टि च रमिया होया है, सतगुरां दे पावन वचन सानू दसदे आ। मंगना है उस को नाम, वसदा हर जरे विच है, हर प्राणी विच है, हर थां है, हर वेले है। परमात्मा दे दो रूप हैं, एक निर्गुण रूप, एक सरगुण रूप। कमाल की खेड ये है कि जो रूप दिसदा है उस को ये बंदा भजदा है, जो दिसदा नहीं उसकी खोज कर रहा है, जो दिसदा नहीं उसकी खोज कर रहा है। योगियों नूं गुरु साहब जिस वेले मिले ना तो योगी पुछण लगे जी बाबा जी दसो कलयुग विच किहोजा माहौल है, है ना, जिवें आपां वी किसे बंदे नूं मिलीए तो पुछदे हां किद्दां इंडिया दे विच किद्दां पंजाब दा की हाल। जदों गुरु साहब पर्वतां ते गए ना योगियां कोल, तो उन्हां नूं पुछण लगे गुरु साहब नूं की हाल है जी। गुरु साहब ने जो जवाब दिता सी, वो कहिंदे जिन्हां ने हालातां नूं समझणा सी, जिन्हां ने लोकां नूं कोई चंगी सेध देनी सी,
जिन्हों को ज्ञान सीगा जिन्हों प्रभु ने सता दिती सीगी वो तो पर्वतां जाण के छुप गए। उस दे हालात नूं कौन जानेगा, कौन समझेगा। तो गुरु साहब ने कीर्तन अपनाया, कीर्तन साड़ी झोली विच पा दिता। इस सृष्टि नूं उन्होंने अंदर दी अख नाल भी देखिया, इस सृष्टि नूं उन्होंने बाहर दी अख नाल भी देखिया। इस सृष्टि दे गुरु साहब ने दुख नूं भी समझा, इस सृष्टि दे वकदियां हुकूमतां ने जो जुल्म कीता उस नूं भी समझिया। फिर गुरु साहब लड़े भी। तो सतगुरां दी बाणी जो है ये कीर्तन है। मैं इस करके बेनती कीती है कि आपां एकाग्रचित हो के सतगुर दी बाणी दे नाल कीर्तन दे नाल जुड़िए। यही बंदगी दा रस्ता है, यही सिमरन दा रस्ता है, यही राह है जिस राह ते चल के असीं उस मालक दे दर नूं लभ सकदे हां, उस परमात्मा की होंद नूं समझ सकते। मिलके गायन करिए। सब जोत तेरी जग जीवना, तू काट काट हर रंग रंगना। सब जोत तेरी जग जीवना, तू काट काट हर रंग रंगना। काट काट हर रंग रंगना, तू काट काट हर रंग रंगना। तू काट काट हर रंग रंगना, तू काट काट हर रंग रंगना। सब जोत तेरी जग जीवना, काट काट हर रंग रंगना। सब जोत तेरी जग जीवना, तू काट काट हर रंग रंगना। सब त्यावे तुझ मेरे प्रीत मां, मेरे प्रीत मां। तू सत सत पुरख निरंजना, सब त्यावे तुझ मेरे प्रीत मां, मेरे सत सत पुरख निरंजना, तू सत सत पुरख निरंजना, तू सत सत पुरख निरंजना, तू सत सत पुरख निरंजना। सब जोत तेरी जग जीवना, सत सत पुरख निरंजना। सब जोत तेरी जग जीवना, तू काट काट हर रंग रंगना। सब जगत भिखारिया, जगत भिखारिया, हर जाचे सब
मंग मंगना एक दाता सब जगत भिखारिया जगत भिखारिया हर जाचे सब मंग मंगना 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 सब ज्योत तेरी जग जीवना तू काट काट हर रंग रंगना सब ज्योत तेरी जग जीवना तू काट काट हर रंग रंगना ठाकुर सब तू है सब तू है तू है गुरमति हर चंग चंगना सेवक ठाकुर सब तू है हर चंग चंगना गुरमति हर चंग चंगना गुरमति हर चंग चंगना गुरमति हर चंग चंगना गुरमति हर चंग चंगना सब ज्योत तेरी जग जीवना तू काट काट हर रंग रंगना सब ज्योत तेरी जग जीवना तू काट काट हर रंग रंगना कहो मुख ऋषिकेश हरे जित पावे सब फल फलना सब कहो मुख ऋषिकेश हरे जित पावे सब फल फलना 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 सब ज्योत तेरी जग जीवना तू काट काट हर रंग रंगना सब ज्योत तेरी जग जीवना तू काट काट हर रंग रंगना तू काट काट हर रंग रंगना
काट काट हर रंग रंगना, तो काट काट हर रंग रंगना, तो काट काट हर रंग रंगना, सब जोत तेरी जग जीवना, तू काट काट हर रंग रंगना, सब जोत तेरी जग जीवना, तू काट काट हर रंग रंगना, सब जोत तेरी जग जीवना, काट काट हर रंग रंग रंगना, तू काट काट हर रंग रंगना। जाने जानी रे राजा राम की कहानी। योगियों ने गुरु साहब नू पूछया संसार दी हालत, तो साहब कहन लगे जिन्होंने संसार दी सार लैनी सी वो तो उन्होंने कोलों दूर आ गए, जिस दी खोज विच तुसी पहाड़ां जाण वसे हो वो तो उन्हां दे विच वसदा सी जिथों दौड़े आए तुसी। मैं एक शब्द गाउणा आप जी नूं पता है, गल्ली योग ना होई वो भी योगियां नूं संबोधन है शब्द। योगी इस संसार तो दूर हो गए, कहन लगे कि संसार विच रहांगे तो रब नूं नहीं मिलिया जाना क्योंकि माया का प्रभाव पैंदा। गुरु साहब कहन लगे अंजन माहे निरंजन रहिए, योग की युक्ति यह है जिन्हां कोलों तुसी दौड़े हो उन्हां दे विच रहो। ये गुरु नानक साहब ने युक्ति समझाई, ये तरीका है उन्हां विच रहो। पासे हो के बैठ गए, लड़ाई का मजा तो उदों ही है जो मैदाने जंग विच हुई है। कोई अस सामने हो लड़न का मजा तो ही आएगा ना जी, इकल्ले लड़ी जाओ। सो सतगुरां ने समझाया कि नहीं, परमात्मा हर जरे विच है, हर थां है, हर वक्त है। यही ख्याल कबीर साहब ने इत्थे सानू बख्शिश किया है, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। परमात्मा सर्वव्यापक है, इस कहानी नू मैं जान लिया है। राजा राम ध्यान रखना, राजा राम का इत्थे मतलब है जिहड़ा घट घट में हरजू बसे, संतन कहे उपकार, जिहड़ा रमिया होया है हर थां। राजा राम शब्द जो है ये भुलेखा भी पा सकता है, ये ना समझना कि अयोध्या के वासी श्री रामचंद्र जी की गल की है, तो नहीं, उस कहानी में आपां जानते हाँ सारे। उन्हां दे पिता कौन सन, उन्हां दे माता जी कौन सन, उन्हां दी जिंदगी किहो जी सी, किवें उन्हां ने संसार दे विच अपना जीवन बिताया, आपां नूं पता है, सुनदे हाँ। नवें युग विच प्रवेश कर गए हाँ, नाटक राहीं भी देखते जानते हाँ, समझते हाँ।
पर वो परमात्मा वो राम जड़ा हर जरे विच वसदा है जिसकी कोई तस्वीर नहीं जिसका कोई रूप नहीं जिसका कोई रंग नहीं जिसका कोई नाटक खेडिया ही नहीं जा सकता जिसका कोई ड्रामा नहीं बन सकता जिसकी कोई तस्वीर नहीं बन सकती जिसका कोई फिल्म नहीं बन सकती। कबीर साहब कहिंदे जिसने आपा गुरु नूं समर्पित कर दिता गुरु ने शब्द की बख्शिश की शब्द दृढ़ किया शब्द ही नाऊ उपजे उस परमात्मा की होंद की समझ पई किसी विरले जानी जानी रे मैं जान लिया राजा राम की कहानी अंतर जोत राम प्रगासा गुरमुख विरले जाने किसी विरले ने गुरु दे राही जान लिया समझ लिया जिस दे अंदर उस परमात्मा ने कृपा करके प्रकाश कर दिता ज्ञान बख्श दिता। तो किवें रमिया होया है वो एक दरख्त की मिसाल उदाहरण दिती है तरवर एक अनंत डार शाखा पोह पपत्र रस भरिया ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरा करिया जिवें एक दरख्त है उस दियां टहणियां हन उस दे पत्ते हन उस नूं फुल लगते हैं उस नूं फल लगते हैं एक रस उस जीवन जीव रहा है कि दरख्त इस तरह ही सृष्टि परमात्मा ने साजी है वक् वक् जीव कोई दरख्त दियां डालियां हन कोई रस भरिया फुल है फल है तो मिल के गायन करिए जी बाणी नूं आपां समझण की कोशिश करिए अंतर आत्मे उस परमात्मा नूं जाणिए। जाने जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर राम राम परदासा अंतर जोत राम परगासा गुरमुख विरले जाने राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर जोत राम परगासा अंतर जोत राम परगासा गुरमुख विरले जानी राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे
राजा राम की कहानी, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। अंतर जोत राम परगासा, अंतर जोत राम परगासा, गुरुमुख विरले राजा राम की कहानी, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। बिरवा
जेने है बिरवा देखिया गुरुमुख वीर जानी राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी 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 राजा राम की कहानी राम की कहानी राम की कहानी राम की कहानी राजा 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 राम की कहानी 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 गुरुमुख वीर ले जानी राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी अपनी कृपा था जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा था कृपाता अपनी कृपाता जगत जलंदा रख ले अपनी कृपाता जगत अपनी कृपाता जगत जलंदा रख ले अपनी कृपाता जित द्वार उबरे जित द्वार उबरे तित ले होबा जगत जलंदा रख ले अपनी कृपाता अपनी कृपाता जगत जलंदा रख ले अपनी कृपाता सतगुर सुख लिखा लिया सतगुर सुख
बिखा लिया सच्चा शब्द विचार सच्चा शब्द विचार जगत जलंदार अपनी कृपा तार जगत जलंदार अपनी कृपा तार नानक अवर ना सुझी नानक अवर ना सुझी हर बिन बख्शन हर बिन बख्शन जगत जलंदार अपनी कृपा तार अपनी कृपा तार जगत जलंदार अपनी कृपा तार जगत जलंदार अपनी कृपा तार अपनी कृपा ता गुज्जी पाए जले संसार ए वाहिगुरु गुज्जी अग विच ईरखा दी अग विच संसार सड़ रहा है तू जगत का मालक है इसकी रक्षा कर अपने बंदियां नूं समझ बख्श जिहड़े अज दे हालात हैं थां थां ते हर थां कोई भी थां ऐसी नहीं जिहड़ी बची होए जिथे आपां कहीए कि उत्थे शांति है तो अरदास करनी ही बनती है सतगुरां ने सानूं यह भी सिखाया है पावन बचन है जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा तार गुरु रहमत करे जी बाणी दी सानू समझ पवे असी सच्ची मुची जीवन नू समझ के जीविए ता कि मालक दे दर प्रवान हो जाइए आप संगतां दा धन्नवाद गुरु कर दे सेवादारां दा धन्नवाद है सतगुरां दे इस सुंदर मुबारक दरबार विच मैं पहली बारी आप संगत दे कीर्तन दी सेवा कर रहा हाँ बड़ी खुशी है कि सतगुरां दा नवां दरबार सजिया है आने वाले समय में इस दरबार में सतगुरां ने होर रौनकां लगनियां हन जिवें जिवें समा बीतता जाएगा तिवें तिवें संगत भी वधदी जाएगी इत्थों आपां होर उम्मीदां रखांगे प्रचार दियां प्रसार दियां तो सतगुरां दे चरणां च अरदास है गरीब नवाज पिता जी अपने सेवादारां नूं बल बख्शना हिम्मत बख्शनी संगतां दा आपसी प्यार बख्शिश करना जी तो दसरां तो पहलां भाई बलजीत सिंह जी आप जी का नाम भाई बलजीत सिंह जी बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे सन इन्हां ने मेरा ख्याल मैनूं राग तो नहीं आता शायद श्री राग गाया सी इन्हां ने बड़ा प्यारा राग गा रहे मैं उस वेले चाह पी रहा सा तो विद्वान कीर्तनी हैं संगीत दे गीता हैं आने वाले दिनों में इन्होंने आप जी ने कीर्तन सुनाना है तो भाई साहब होरां दा भी धन्नवाद इंग्लैंड तो आए हैं और आप जी इन्हां बच्चों नूं प्यार दिओ इन्हां कीर्तनियां नूं प्यार दिओ माण दिओ मेरा माण का मतलब मेरा समझ गए ना अदब देना सत्कार देना अजकल साडा भाइयों का बड़ा रौला पिया हो ना तुम भी देखते हो मैं भी देखता हाँ कई तरह के रौले हैं इतों तक कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार भी
रागियां भाइयां दे दुआले हो गए और कुछ नहीं लभा ते तो इस तरह के हालात बने हैं। तो इस करके मैं संगतां विच बेनती करता रहना हाँ कि सानू माया जिहड़ी है ना वो वखरा रस्ता एक माया एक वखरा है। हर बंदे नू सत्कार चाहिए है, हर बंदे नू प्यारे प्यारे बोल चाहिए हैं, हर बंदे नू अदब चाहिए है। कोई भी होवे तुसी बच्चे नाल भी जरा कौड़ी अख नाल देखोगे तो बच्चा तुहाडे कोल नहीं आएगा। सो सानू तो गुरु ने सिखाया भी प्रेम की गल सिखाई ना, गुरु साहब तो कहिंदे साच कहूँ सुन लियो सबे, यानी प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सो प्यार देना जी इन्हां बच्चों ताकि ये अंदरों कीर्तन कर सकन। जिहड़ी गल अंदरों होएगी ना असर भी उसे दा ही होएगा, जिसनू भिज के असीं कहांगे उही गल असर करदी है, चाहे सधारण गल करिए चाहे कीर्तन करिए चाहे बंदगी करिए। सो प्यार देना बच्चों नूं जी, धन्यवाद आप संगतां दा। तो कल दा जो विशेष दुआन है आप भी आयो, होरना नूं भी सुनेहा दिओ, मिल बैठांगे जो गुरु कराएगा मिल जुल के साहिब की कीर्ति करांगे जी। इत्थे ही समाप्ति, आनंद साहब दा जाप करिए। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेते मन बजहां बधाइया, राव रतन परवार परियां शब्द गावण आइया, शब्दोत गावो हरि केरा मन जिने बसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हरारो तू मन मेरे दुख सब सारना, अंगीकारो कर तेरा कार सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही करते रहे, करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रहे, साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किया गुरु विटो जिस दियां ये वड़ियाइया, कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द कार सुभागा, कार सुभागा शब्द वाजे कला जित कर तारिया, पंच दूत तो दो अस कीते काल कंठ कमारिया, दुर्करम पाया तो जिनको से नाम हर कहलागे, कहने नानक तैं सो कर अनहद आजे, अन सुनो वड पाकियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया ते सगल सूरे, दुख रोग संता पुत्रे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवे सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे, सलो पवन गुरु पाणी पिता माता तर दिवस रात दुदाई दाया खेलाए सगल जगत, चंगियाईयां बणियाईयां वाजे करम गुरु, करमी आपो आपणी के नेड़े के दूर, जिने नाम ते आया नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया सतकार, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सगल समग्री तुमरे सूतर तारी, तुम ते हो सो तुमरी गात मेत तुम ही जानी, नानक दास
त्यागे अरदास हमारी जियो पिंड सब कौ नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम ना। बोलो जी वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्मरक गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंदन सिमराम श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठाए सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरें कर नाम निदया वै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियाँ दी आत्मक जोत साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दिदार दा त्यंतर खालसा जी साहेब बोलो जी वाहे गुरु पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जना नाम जपिया वंड शकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता तिना प्यारियां सचारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान तर खालसा जी साहेब बोलो जी वाहे गुरु जिना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुआईयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चरवाए सिखी सिदक केसा स्वासा संगन वहाया तरवनी हारिया गुरुद्वारियां दी सेवा हित कुर्बानियां कीतियां तिना समूह शहीद सिंह सिंघणियां पुचंगियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा जी साहेब बोलो जी वाहिगुरु पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर खालसा जी साहेब बोलो जी वाहिगुरु प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवै चित आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के भोल भाले बोलो जी वाहे गुरु सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान चौंकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो
हे नुमाणिया दे मान सतगुरु नताणिया दे तान न्योटिया दी ओट न्यासरिया दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु साहिब जीओ तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज जिथै जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया लै तूर मुख लावा दे महावाक अनुसार पातशाह आप जी ने महान कृपालता रहमत कीती है पातशाह इस महान बिल्डिंग दे अंदर महाराज जी पावन पवित्र चरण पा के इस नू पवित्र कीता है पातशाह समूह ग्रैंड रैपर दियां सिख संगतां ने महाराज आप जी ने रहमतां कीतियां दाता जी ओ सेवकां दियां अरदासां बेनतियां नू प्रवान कर दिया हां इस महान पवित्र स्थान दी प्रारंभता हुई है पातशाह सिख संगतां ने आप जी दे चरणा कमलां दा ओट आसरा लै करके पातशाह पावन हजूरी अंदर शाम दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच सोदा रह रहा साहब जी दे पाठ उपरंत इलाही बाणी दे शब्द कीर्तन होए दाता जी बाणी पढ़दियां हर जस करदियां बेअंत त्रुटियां रह गईयां होणगियां अनजाण बच्चे जान के खिमा कर देनियां जीओ अगों वास्ते श्रद्धा भावना मनती एकाग्रता दे सहत बाणी गायन करन दा सरवण करन दा हर जस करन दा बल उदम बुद्ध बख्शिश करना पढ़ी सुनी बाणी अपने दर ते प्रवान करनी बाणी दा पवित्र भाव समूह दाराइयां संगतां दे मना ते वसाउण दी कृपालता करनी समूह संगतां नूं दरों करों नाम दान सिखी सिदक भरोसा बख्शिश करना परिवारां विच सुख शांति वरताउणी परिवारां नूं चढ़दियां कला बख्शणियां दाता जीओ कृपा करनी महाराज सच्चे पातशाह जीओ इसे तरह ही अपनी पावन गोद विच बिठा करके दातार जी अपने गुण गायन करन दा बल उद्यम बुद्ध बख्शिश करना दाता आप जी दियां बख्शियां होईयां दातां दे विचों पावन हजूरी अंदर कड़ा प्रसाद दी देख अते गुरु का लंगर हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद लंगर संगत विच वरते जो शके आप जी दा महान पावन पवित्र नाम स्वास स्वास जपे पातशाह आप जी दे दर कर दे प्रीतवान भाई मनजीत सिंह नू महाराज आप जी ने महान बख्शिशां कीतियां गड्डी दी बख्शिश कीती है आप सतगुरु जी दा कोटान कोट धन्नवाद शुकराना करदिया होया सेवक ने महाराज आप जी दे पावन पवित्र दरबार अंदर बेंत माया हाजर कीती जिन्हां खजानियां चो माया आई सो खजाने भरपूर करने काल कंटक दूर करने सिर ते मेर भरिया हथ रखना गड्डी सुहंडनी बनाउणी महाराज दी दातार जीओ पावन पवित्र हुक्म असीस बख्शिश करके समूह संगतां नू निहाल कृतार्थ करो दाता पावन बचना ते चलन दी सोजी समर्था बल उद्यम बुद्ध बख्शिश करना जीओ सेई प्यारे मेल जिना मिलिया आप जी दा नाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आ गया पई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले राज करेगा खालसा आकी रहे न कोए ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए
बोले का खालसा वाह। श्री वाहे गुरु साहेब जीओ हम अवगुण परे एक गुण नाहीं अमृत छाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत गुरु रामदास राखो शरणाई सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम धी नूर अरसा कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दे कटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दे कटिया सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी हो रसना गुण गोपाल निद गायण शांत सहज रहस मन उपजयो सगले दुख पलायण रसना गुण गोपाल निद गायण शांत सहज
रहस मन उपजया, सगले दुख पलायन रहा। जो मांग है सोई सोई पावें, सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दोहों ते छूटें, पव जल जगत तरायण। खोजत खोजत तत् विचारयो, दास गोविंद परायण। अविनाशी खेम चाहें जे नानक, सदा सिमर नारायण। खोजत खोजत तत् विचारयो, दास गोविंद परायण। अविनाशी खेम चाहें जे नानक, सदा सिमर नारायण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु साहब जी दी साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत, आप सारिया ही संगतां बहुत वड्डे भागां वाले हो, जिन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने महान कृपा रहमत बख्शिश करदिआं होइआं, साडे सिरां ते मेहर भरिआ हथ रखदिआं होइआं पावन पवित्र दरबार दीआं हाजरियां भरन दा सुभाग समां बख्शिश कीता है। उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने महान कृपा की है गुरु घर के महान कीर्तनीय भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले पासों, उन्हां दी रसना तो गुरु का जस बड़े ही प्यार अदब सत्कार के सहत मुख मंत्र हो करके सारिया सिख संगत ने बैठ के सरवण किया है। भाई साहब जी ने पहला शब्द जो उच्चारण किया सी सोठ राग दे अंदर गुरु नानक साहब जी महाराज जी की रसना तो उच्चारण किया होया, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पन्ना 597 ते जो सुभायमान है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भाई साहब ने जिमें आप सारे ने ही बेनती की, गुरु साहब ने सानू बेनती करन दा तरीका दर्शाया है। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगूं। सच्चे पातशाह मैं तेरे पासों की मंगा, मैं क्या मांगूं, किश थिर न रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब सच्चे पिता जी ने भी यही सच्चे पातशाह उस अकाल पुरख नूं मुखातिब करदिआं होइआं उहदे पासों की जाचना मंग कीती सी। सच्चे पातशाह हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राबता। सच्चे पातशाह ऐसी बख्शिश कर। सो भाई साहब ने बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल भिज के ये शब्द जो उच्चारण किया सी, सच्चे पातशाह तू दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगू, किस थिर ना रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। नाम दी दात जड़ी है गुरु पासों मंगी है सच्चे पातशाह, बाकी दातों तो थिर नहीं रहन वालियाँ, ये खत्म हो जाने वालियाँ, पर तेरा जड़ा नाम है वह सदा अटल रहिंदा है। सच्चे पातशाह साड़ी झोली दे विच नाम दी दात पा दे। महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह सानू उस अकाल पुरख के चरणों के अरदास बेनती करन दा तरीका दर्शाया। भाई साहब ने बड़े ही प्यार दे नाल कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपी है
लाए ध्यान के नाल सच्चे पातशाह की पावन पवित्र हजूरी विच सारिया सिख संगत ने बैठ के बड़े प्यार सत्कार के साथ कीर्तन सरवण किया है। सारिया संगत दूर दुराडे तो जो चल के आईया ने सारिया संगत का प्रबंधकों वालों बहुत बहुत धन्यवाद, कोटान कोट धन्यवाद है श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का, जिन्होंने साढ़े ते रहमत करके तरस करके इस सुभाग समय सानू बख्शिश किए। महान कीर्तन दिया रसना तो आप गुरु का जस प्यार सरवण किया है, भुला चुकों की खिमा। सो आओ कल के प्रोग्राम गुरु घर के मुख सेवादार भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी आप जी ने जिमें दसणगे उस के मुताबिक कल का प्रोग्राम जोड़ा आप सारिया संगत उन्होंने पासों सरवण कर यतन करो जी। भुला चुकों की खिमा बुलाओ फतेह जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कोटान कोट धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जिन्हां दी रहनुमाई हेठ अज दे दीवान